अस्सलाम वालेकुम। तो ZTE ने पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दी है द ZTE ब्लेड V50 स्मार्टफोन को, जिसकी ऑफिशियल प्राइस 33,500 रुपये रखी गई है। 8 GB रैम, 256 GB और वेरियंट की। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। ZTE Blade V50 स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है आईफोन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। रियर साइड पर स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश लाइट और कैमरा ब्रांडिंग दी गई है। स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का दिया गया, जो कि मैट फिनिशिंग के साथ आता है, मैट डिजाइनिंग के साथ आता है। स्मार्टफोन 3 कलर्स में आता है, एक ग्रीन कलर है, एक वायलेट कलर है और एक ब्लैक कलर है, और तीनों मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बॉटम साइड पर ZTE की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक बॉक्स ही फ्लैट फ्रेम के साथ आता है। ये जो फ्रेम में प्लास्टिक का दिया गया, जो कि 8.3 mm थिक है, 207 ग्राम स्मार्टफोन का वेट दिया गया। और स्मार्टफोन एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 32,000 या 33,000 रुपए के हिसाब से एक डिसेंट डिजाइन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे गिला शिकवा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज की कमी जरूर महसूस होगी कि स्मार्टफोन IP रेटिंग के साथ तो अच्छी बात हो जाती, क्योंकि इस प्राइस में अमूमन अब काफी स्मार्टफोन जो है वो IP52 IP53 रेटिंग देते हैं, तो ये चीज डेफिनेटली होनी चाहिए थी। लेकिन बाकी जो डिजाइन है वो मुझे ठीक लगा है। ZTE ब्लेड V50 स्मार्टफोन में दिया गया 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले, जो कि 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट के साथ था, एक ड्यूरोप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। बाकी जो डिस्प्ले एक डिसेंट डिस्प्ले, आई विश के यहाँ पर 5 वोल्ट कैमरा देना चाहिए था, ड्यूरोप नॉच काफी अगली लग रहा है। और ऊपर से स्मार्टफोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था, क्योंकि आप 30,000 में डिकोड बोल 3 प्रो वी गोटेल नोट 24 नोट 23 ऐसे ब्रांड में 120Hz रिफ्रेश रेट देते हैं, तो ZTE को भी थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। बाकी एमोलेड डिस्प्ले तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर एक दो ब्रांड तो है जो कि आजकल आपको 36,000 में एमोलेड दे रहे हैं, तो 2-3,000 रुपये और आपको ऐड करना चाहिए, उस स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात हो तो इस स्मार्टफोन में दिया गया यूनो एसओसी टाइगर T606 का प्रोसेसर, जो कि 12 NM पर बेस्ड है, और माली G57 का GPU दिया गया है। स्मार्टफोन 8 GB रैम, 256 GB और इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और एंड्राइड 13 के स्टॉक एंड्राइड के साथ आता है। देखो, यूनो एसओसी टाइगर T606 जो है वो हमें इन्फिनिक्स और टेक्नो 20-22,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे, तो आई थिंक इस प्रोसेसर की इस प्राइस में बिल्कुल जगह नहीं बनती। इस प्राइस में आपको पता है कि G99 और G96 जैसे प्रोसेसर मिल रहे हैं, G88 तो एक कॉमन प्रोसेसर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है बहुत कमजोर है, बहुत ऑर्डिनरी है, मैं बिल्कुल भी इस प्राइस में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ZTE V50 स्मार्टफोन की रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो मेन कैमरा है वो 50 MP का दिया गया F1.8 अपर्चर के साथ, 2 MP का मैक्रो सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। जबकि फ्रंट की बात हो तो एक ड्यूरोप नॉच में 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया है F2.0 अपर्चर के साथ। स्मार्टफोन मैक्सिमम फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकता है रियर कैमरा से 30 FPS पे, और फ्रंट पर भी 1080p 30 FPS पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकता है। देखो, कैमरास की मैं बात हूँ तो प्रोसेसर आपको सबको मालूम है, सारा कैमरा प्रोसेसर पर ही डिपेंडेंट होता है। प्रोसेसर इतना माड़ा कमजोर है तो वो कैमरा को किस तरह हैंडल करेगा, किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करेगा, तो इस चीज से आप खुद ही अंदाजा बेहतर लगा सकते हो। ZTE Blade V50 स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, 22,000 या 5 वाट की फास्ट चार्ज दी गई है, Type-C पोर्ट, हेडफोन जैक और एक सिंगल स्पीकर दिया गया है। देखो, कंक्लूजन तो ये कि ZTE Blade V50 स्मार्टफोन इतना बुरा नहीं, बट मसला यह है कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और इस प्राइस में हमें काफी बेटर स्मार्टफोन मिल रहे हैं। इस प्राइस में तो छोड़ो, आप 1,000-2,000 रुपये एड करके एमोलेड वाले स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, या फिर इसी प्राइस में आपको डिकोड बोर्ड 3 प्रो या वीगो टेल नोट 24 मिल जाते हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन, स्टाइलिश बेटर किस्म की कैमरा और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और चार्जिंग भी आजकल काफ़ी 30 वाट की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली उन स्मार्टफोन को आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अपने पैसों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।